साड़ी सर यहाँ खुद बनवाते हैं, बनारसी साड़ी। क्या बात है, लुप्त हो रहा है बिल्कुल। हाँ, नई पीढ़ी किसी इसमें घुसना ही नहीं चाह रही है ना। बनारस का अपना एक नया रंग जहाँ पर आप मसाले, कौन कौन से मसाले भाई पी सकते हैं? हल्दी है, खड़ा गरम मसाला है, खड़ा धनिया है, ये सब सारा यहीं पर अपना पीस करके हम लोग खुद बनवाते हैं इसमें। क्या बात, तो एक साड़ी बनने में लगभग कितना दिन लगता है? साड़ी बनने में कम से कम एक महीना। तंत्र है वो डबल एक्टिव हो जाता है और भोजन को बहुत अच्छी तरीके से पचाता है, और खड़े होकर के खाने से, खड़े होकर खाने के लिए हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर मना करता है। आराम से अलती पलती एकदम हाथ पैर धो कर अच्छे से खाने के लिए बिल्कुल एकदम शांति सुकून से मन से एकदम खाना खाइए, चबा चबा के। जितना मैं जानता हूँ, मैं पहली बार फरा को सर्व होते देख रहा हूँ, रेस्टोरेंट में मैंने आज तक नहीं देखा कि फरा भी सर्व किया है, तो मैं फरा टेस्ट करके भी आपको बताऊँगा। बाटी है, लिट्टी है या ढक्कड़ है? साथियों, मेरे साथ हैं अजीत भाई, ऐसा देश है मेरा कि हमारे चैनल पर, और हम लोग अभी सैर करने वाले हैं पाटी चोखा रेस्टोरेंट, और नीचे पाटी चोखा वालों की ही एक स्पाइसेस की छोटी सी फैक्ट्री कह सकते हैं या कुछ एक स्टार्टअप कह सकते हैं, क्या है आइए जानते हैं। बनारसी साड़ी जो है, क्या बात है, अपना यहीं पर बनता है बनारसी साड़ी में। यहीं पर बनाते हैं, बुन कर लो। अच्छा, आराम से आराम से। यहाँ से सेल करते हैं जो भी बनारसी साड़ी बनता है, अपना यहाँ से सेल होता है। यहीं की बनी हुई साड़ी सर यहाँ खुद बनवाते हैं बनारसी साड़ी। क्या बात है, ये सर शॉप है अपना, यहाँ सेल होता है। तो कितने रुपए से कितने रुपए तक की सेल होती है? इसके लिए हम गुलाब हाँ जी श्रीमान, नमस्कार, मैं नितिन मिश्रा, ऐसा देश है मेरा चैनल से। तो आप हमें ये बताएं, जो हमारे यहाँ साड़ी बनती है उस साड़ी की शुरुआत कितने रेट से होती है और कितने रेट तक जाती है जो अपने पास अवेलेबल है? हमारे पास जो है, हमारे यहाँ देखिए 1200 से लेकर के ऊपर में आपके 40,000 रुपये तक। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बीच का सारा रेंज है। अच्छा, बनारसी साड़ियों की विशेषता क्या है? बनारसी साड़ी हाथ से बनती है, वो अलग कारीगरी ही होती है। अच्छा, हाँ, उसकी प्रोसेस ही एकदम अलग होती है। आदमी बैठ करके उसकी पूरी वीविंग करता है। ये देखिए, ये हाथ के करते हैं, हैंडलूम का है, हैंडलूम बोलते हैं, हैंडलूम। यहाँ बैठ करके इसकी पूरी वीविंग होती है। पूरा इसमें समझिए हाथ और पैर सब कुछ चलता है। हमारे प्रधानमंत्री मेहनत भी कर रहे हैं कि हैंडलूम को वो पहचान दोबारा दिलाई जाए। हाँ, तो इसमें अब समझ लीजिए जब से उन्होंने ऐसा किया है तब से इसमें बहुत प्रोग्रेस हुआ है। क्या बात है, बहुत लोग इससे जुड़ना शुरू कर दिए हैं, जो लोग इससे भाग रहे थे अब फिर इससे जुड़ना शुरू कर दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो अपने यहाँ से साड़ी बाहर भी जाती है कि सिर्फ जो लोग बाहर भी जाती है, बाकी जो कस्टमर होते हैं वो खुद आकर के ले भी जाते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ जो साड़ी है वो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं कि उसके लिए? ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो क्या वेबसाइट का नाम है? वेबसाइट आपका है बनारस खड्डी के नाम से है। अच्छा, बाकी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप से आप कॉन्टेक्ट करके। तो आप मुझे ना अपना कार्ड अभी दीजिएगा ताकि जब मेरे चैनल पर वीडियो पब्लिश हो तो सर मैं आपकी साथ उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि मेरी तरफ से भी एक छोटा प्रयास हो हमारे हैंडलूम को जरूर आगे बढ़ाने का। एकदम जरूर इसको करिए, क्योंकि भाई इससे बहुत लोग, पूरी बनारस इसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये आगे रहेगा, बनारस आगे रहेगा। नहीं बिल्कुल रहेगा, और बनारस ही नहीं, जब बनारस आगे रहेगा तो हमारा देश भी तो आगे रहेगा। आगे रहेगा और क्या, और हमें कहने का मौका मिलेगा ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। चलो, ये कॉटन बनारसी है, ठीक है। ये सब साड़ियाँ पूरी मशीन के आइटम है। अच्छा, ये सब पावर लूम आइटम है, ये मशीन से वीविंग की गई है। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो डिजाइन बनती है ये आपके तानी से बनती है, जो लेंथ में धागा लगता है उससे ये डिजाइन उभर के आती है। और हैंडलूम में होता है क्या, उसमें आपको हाथ से जो धागा फेंका जाता है उससे डिजाइनिंग निकल के आती है। ये फर्क है हैंडलूम और पावर लूम में, ये फर्क है। तो पावर लूम है, ये पावर लूम है, और हैंडलूम, हैंडलूम देखा ये साड़ी हैंडलूम की है।
ये आप कहाँ चला गया? तो क्या कॉस्ट है इस साड़ी की? ये तो आएगी 15,000 की। अच्छा, क्या बात है। और ये? ये आपके 1800-2000 ऐसे रेंज की आएगी। हैंडलूम साड़ी की स्टार्टिंग रेंज कहाँ से आती है? हैंडलूम की स्टार्टिंग रेंज सर आपका 7,000-8,000 से स्टार्ट है। उससे नीचे वो फिर क्लाथ के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्लाथ है। मिक्स क्लाथ में है तो कम का हो जाएगा, अच्छा प्योर में होगा तो 10,000 प्लस में हो जाएगी। तो साथियों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि पावरलूम की साड़ियाँ अच्छी नहीं हैं, पर कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप में एक अलग पहचान रखती है उसे प्रोसेस होने में टाइम लगता है, और प्रोसेस होने में टाइम लगेगा तो जो आपको आउटपुट आएगा आपके सामने वो अलग ही होगा। आप खुद फर्क देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में कि हैंडलूम की बनी साड़ी कितनी अलग है। ये साड़ी मशीन नहीं बना सकती है, ये चीज़ है, क्योंकि ये सब पूरी वीविंग, ये काढ़कर वीविंग होती है, और मशीन काढ़ कर वीविंग नहीं कर सकता है। अभी यही नहीं हो पाया है। जरी से कड़े हुए हैं और पूरे बूटे ये रेशम के हैं, डबल मीना वर्क के साथ। ये सब पूरी, ये देखो, ये सब काढ़कर विविंग है, कड़वा वर्क, ये सब कारीगर लुप्त हो रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, नई पीढ़ी किसी इसमें घुसना ही नहीं चाह रही है ना। वही जो आप, जो पुराने लोग हैं बस वही लोग ये बना रहे हैं। तो ये साड़ी, ये जो चीज़ें हो रखी हैं, ये कहाँ से होती है? ये यहीं से होती है कि आप भेजते हैं? ये हमारे यहाँ बनती है। अच्छा, यहीं पे आपको, यहीं पे सारी चीज़ें होंगी, यहीं ये बनती है। ये साड़ी यहीं की बनी हुई है, ये जो आपको मशीन देगा उसी पे ये बनी हुई है। अब उस पर तानी कटा हुआ है, दो दिन बाद आएंगे तो उस पर, क्योंकि तानी लगने में भी 4-5 दिन लगता है। अच्छा जी। हाँ, ये नहीं है कि ये साड़ी बन के उतरी तो तुरंत एक साड़ी लगती है। तानी बनने में भी 2-4 दिन लगेगा, उसका नाका खोलना होगा, फिर नाका अलग से टकाएगा, बहुत प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस है। तो एक साड़ी बनने में लगभग कितना दिन लगता है? साड़ी बनने में कम से कम 1 month। कैसा? एक एक साड़ी बनाने में आपका 1-1 month लग जाता है। तो अपने पास जो सेटअप है उसमें लगभग कितने, और इसमें अगर जाल वगैरह बनेगा तो वो सब 2.5-3 महीने ऐसे हो जाते हैं, वो भी दिखाते हैं। ये साड़ी 2.5-3 महीने लगते हैं एक साड़ी वीविंग करने में। ये आएगी 36,500। 36,500। ये सब फुल, ये पूरा काट कर वीविंग किया गया, ये तो साथियों, किसी भी एक शख्स के लिए बनारस का पान, और अगर पान खा रहे हो तो साड़ी ज़रूर मतलब लेके जाइए अपने घर में, जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोसेस, आप पैसा ना देखिए, आप देखिए कि मतलब प्रोसेस, 2.5 महीने एक आदमी की मेहनत और उसके बाद आउटकम कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है और यूनिक भी है। और आप, हम मिलके ही तो मतलब बढ़ावा देंगे अपनी जो चीज़ें खो रही हैं। किसी भी कला को खोना बहुत दुखमय होता है, और हैंडलूम तो बनारस का वैसे ही सबसे ज़्यादा फेमस है। तो मिलके प्रयास है आपका और मेरा, बनारस आइए, बनारसी साड़ी खरीदिए अपनी क्षमता के हिसाब से, और पहनिए, खुश भी होइए, और हमारे देश को आगे बढ़ाइए, और छुपी हुई जो भी कला है जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त हो रही है उसे बचाने में अपना प्रयास करिए। हमारे डिस्क्रिप्शन पे ये जो शॉप है इसका पूरा पता आपको हम देंगे, और ऑनलाइन भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बस इसी के साथ हम साड़ी से रिलेटेड अपने सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। आपको कोई भी डिटेल चाहिए और कोई भी साथी जो इससे पहले यहाँ रखा है, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।